हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हमने देखे थे कुछ सम्स, आज हम लोग देखने वाले कुछ और सम्स। अगर आपने लास्ट की वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कैसे आप सभी लोग, होपिंग यू ऑल आर फाइन। तो मैं नौशाद आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लर्नोमैटिक्स पर। बढ़ते आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, शो दैट दिस इज ए रियल नंबर। कैसे शो करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दोगे तो क्यूब है, तो हमें एक फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो क्या, ए प्लस बी का होल क्यूब। वो क्या होता है, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। यहाँ ध्यान देंगे तो ए की वैल्यू माइनस वन है और बी की वैल्यू क्या है, रूट थ्री आई। पुट कर दो उसी के हिसाब से हमारे फॉर्मूले के अंदर, क्या हो जाएगा, ए का क्यूब मतलब माइनस वन का क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू क्या है, रूट थ्री आई प्लस थ्री, ए की वैल्यू क्या है, माइनस वन रूट थ्री आई का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। माइनस वन का क्यूब क्या होगा, देखो माइनस वन का क्यूब हो जाएगा माइनस वन प्लस थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन इंटू रूट थ्री आई। यहां पर देखोगे इसको वैसे ही रखते, अब यहां पर देखो इंटू रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट और रूट स्क्वायर और रूट थ्री का रूट कैंसिल, यहां पर बचेगा थ्री। और यहां पर देखो आई का भी स्क्वायर होगा, आई का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, माइनस वन। ठीक है, लास्ट टर्म रूट थ्री का क्यूब लेंगे तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री, वो क्या हो जाएगा, थ्री रूट थ्री। और यहां पर आई का भी क्यूब होगा, वो क्या हो जाता है, माइनस ऑफ आई, थ्री रूट थ्री आई माइनस माइनस प्लस, देखो माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन प्लस और प्लस थ्री थ्री जर नाइन, थ्री का जाएगा प्लस नाइन। लास्ट टर्म क्या जाएगा, माइनस थ्री रूट थ्री आई। ये देखो, ये देखो क्या है, दोनों अपोजिट साइन और सेम नंबर से, तो क्या जाएगा, कैंसिल मतलब जीरो हो जाएगा। और माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, एट। हमारा इसका आंसर क्या आ गया, माइनस वन प्लस रूट थ्री आई रेस टू थ्री इज एट। तो हमें क्या प्रूफ करना था, हमें इसे रियल प्रूफ करना था, तो एट इज ए रियल नंबर। बढ़ते सेकंड क्वेश्चन की तरफ, हमें क्या दिया हुआ, एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी का होल क्यूब। अभी यहां पर ध्यान से देखो तो हमें ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला जो कुछ दिख रहा था उसे यहां पे अप्लाई कर देंगे, तो एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी इज गिवन, ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, बी की जगह पे क्या आई बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर आई बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, और यहाँ पे बी की जगह पे क्या आई बी। ठीक है, ये ऐसे रहेगा, बी को ऐसे लिखते थे, आई साइड में लिखते थे। ठीक है, ये टर्म हो गया हमारा। यहां पर देखोगे तो आई का स्क्वायर दिया हुआ है, आई का स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन, थ्री इंटू ए इंटू माइनस वन इंटू बी का स्क्वायर इज सेम नंबर प्लस आई का क्यूब दिया हुआ, आई क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ आई, यहाँ पे माइनस ऑफ आई लिख देते हैं इनटू बी का क्यूब। अभी देखो ये नंबर और ये नंबर हमें रियल जैसा दिख रहा है, ठीक है, इसको साथ में लेते हैं, ए क्यूब प्लस, अभी देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके आगे माइनस आ जाएगा, माइनस वन साइन चेंज कर देगा उसके आगे वाले नंबर का, तो क्या हो जाएगा, माइनस थ्री ए बी स्क्वायर। परफेक्ट, आगे बढ़ते प्लस, अब यहां पर देखो ये इमेजिनरी पार्ट है और ये भी इमेजिनरी पार्ट है, ये इधर बाहर खुलेगा, अगर ब्रैकेट खुलेगा तो इधर पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, और इधर पे माइनस साइन, तो यहां पे क्या करते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, यहां पर क्या बचेगा, थ्री ए स्क्वायर बी, यहां पर क्या बचेगा, माइनस बी क्यूब। क्या मिल गया हमें, एक्स प्लस आई वाई। यहां से देखो दोनों साइड हमें एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट मिल रहा है, क्या करेंगे, सेपरेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, सेपरेट कर लो, एक्स इज व्हाट, रियल नंबर या फिर रियल पार्ट, एंड वाई हमारा क्या है, आई के साथ है, तो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो, दोनों में ए आ रहा है, यहां पे हम लोग ए कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर कॉमन, ए कॉमन निकालेंगे तो ए स्क्वायर माइनस थ्री बी स्क्वायर। यहां पर ध्यान दो, वाई बी कॉमन आएगा, थ्री ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है,
अभी हमें फाइंड क्या करना है, देखो एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी हमारे क्या एल एच एस में, यहाँ पर हम लोग ए को डिविजन में ले आते एक्स बाय ए स्क्वायर माइनस थ्री बी स्क्वायर, यहाँ पे वाई बाय बी, ठीक है इसको पकड़ लो वन, इसको पकड़ लो टू। अभी देखो क्या करना है, हमें ये दोनों को ऐड करना है, तो ये दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे एडिंग वन एंड टू, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस थ्री बी स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर इज व्हाट फोर ए स्क्वायर, माइनस थ्री बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज व्हाट माइनस फोर बी स्क्वायर, फोर कॉमन आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी, ये प्रूफ करना था एज प्रूफ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ, हमें ये दिया हुआ है और प्रूफ करना ही है। यहां पर देखोगे तो यहां पर आई वाला टर्म नहीं है, तो हमें किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई गायब करना है, तो हमने क्या कर रहे थे कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, हमारा आई वाला टर्म गायब हो जाता था। तो यहां पर देखोगे तो हमें ये दिया हुआ है, हम लोग इसका फाइंड करते कॉन्जुगेट, तो वी नो दैट एक्स माइनस आई वाई, क्या कि हमने इसका कॉन्जुगेट लिखा, सिंपल साइन चेंज करके लिखा, तो यहां पर भी साइन चेंज करके लिखेंगे सी ए माइनस आई बी डिवाइडेड बाय सी माइनस आई डी, इसको लिख लो वन, इसको लिख लो टू, मल्टीप्लाई वन एंड टू, क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई वन एंड टू, मल्टीप्लाई कर दो एक्स प्लस आई वाई एक्स माइनस आई वाई, सिमिलरली यहां पे ए प्लस आई बी डिवाइडेड बाय ए सी प्लस आई डी, ए माइनस आई बी सी माइनस आई डी। अभी देखोगे ये क्या है हमारा ए स्क्वायर सॉरी ए माइनस बी और ए प्लस बी दो टर्म है यहाँ पे, तो ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये करेगा एक्स स्क्वायर माइनस आई बाई का स्क्वायर, यहां पर भी सेम है, देखो करते हैं वैसे ए स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस आई डी का होल स्क्वायर। अभी देखो आई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, आई का स्क्वायर हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस वन, आगे क्या है माइनस 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 क्या हो जाएगा वो प्लस, ठीक है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पर भी सिमिलरली सेम होगा, यहां पर भी वैसे लिखा हुआ है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, सेम फंडा यहां वाला यहां पर लगाया और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। फाइंड क्या करना है देखो इसका होल स्क्वायर, क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, प्रूफ हो गया, तो इधर क्या लिखेंगे हैंस प्रूफ। सिंपल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, ध्यान से देखो यहां पर हम एक चीज कर सकते हैं क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, रूट ऑफ सेवन प्लस आई रूट थ्री, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टर्म है, मल्टीप्लाई करेंगे देखो सेम टर्म कभी सेम टर्म के साथ मल्टीप्लाई क्या होता है स्क्वायर, यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे रूट सेवन माइनस आई रूट थ्री मल्टीप्लाई करेंगे देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सेम टर्म में क्या हो जाएगा स्क्वायर, अब नीचे का बेस सेम हो जाएंगे तो हम लोग उसको एक बार लिखते हैं आई रूट थ्री मल्टीप्लाई सेवन प्लस आई रूट थ्री, सिंपल हम लोग क्या लिया यहां पे एलसीएम लिया। अभी ये देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर मतलब सेवन का रूट सेवन का स्क्वायर प्लस टू रूट सेवन इंटू आई रूट थ्री, ठीक है प्लस आई रूट थ्री का स्क्वायर, इसके लिए भी सेम वैसे लिखना है रूट ऑफ सेवन का स्क्वायर, बीच का माइनस है तो यहां पे माइनस और लास्ट का टर्म, ठीक है यहां पर क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना, देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, यहां पर रूट सेवन डालना भूल गया चलो, ठीक है रूट सेवन का स्क्वायर माइनस आई रूट थ्री का स्क्वायर, प्रूफ क्या करना है उसको ध्यान रखो, हमें प्रूफ करना है कि ये रियल नंबर है, यहां पर देखो अभी रूट सेवन का स्क्वायर क्या सेवन प्लस, यहां ध्यान दो देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या एक्जैक्टली सेम है विद अपोजिट साइन जीरो हो जाएगा प्लस, अब देखो यहां पे आई का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है माइनस वन, यहां पर माइनस वन रूट थ्री का स्क्वायर थ्री प्लस सिमिलरली यहां पर सेवन प्लस माइनस वन देखो सेम टर्म है इंटू थ्री डिवाइडेड बाय रूट सेवन का स्क्वायर सेवन माइनस
अभी यहां पर भी सेम होगा, माइनस वन का आई का स्क्वायर क्या था, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय रूट थ्री का स्क्वायर थ्री। इसको सॉल्व करोगे देखो यहाँ पे एक भी आई वाला टर्म नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या समझ में आता है, ये क्या है, रियल नंबर। इसे आप लोगों को सॉल्व करके लास्ट में वैल्यू निकालनी है और आपको आंसर लिख देना है और हेंस प्रूफ कर देना है, ठीक है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के नए वीडियो में जहां पर हम लोग कुछ नए कंसेप्ट भी सीखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।